फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है टूर नॉलेज में। और आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के शहर नागपुर में ऐसी कौन सी 10 जगह है जहां आप घूम सकते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है सीता वड़ी किला। सीता वड़ी एक युद्ध स्थल है जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस किले को मुधोजी द्वितीय भोसले ने बनवाया था। यह नागपुर का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। यह किले आम लोगों के लिए साल में सिर्फ 3 बार खोला जाता है, 26 जनवरी को, 1 मई को और 15 अगस्त को। बाकी समय में यह किला सिर्फ भारतीय सेना की बटालियन के लिए रहने की जगह के रूप में होता है। 9वीं जगह है फुटाला और अंबाझरी लेक। फुटाला लेक 60 एकड़ में फैली हुई बहुत ही सुंदर झील है। इसे शाम को रंगीन फव्वारों से और हेलोजन लाइट से सजाया जाता है। यहाँ आप तांगा गाड़ी में भी घूम सकते हैं। यह झील 200 साल पुरानी है और नागपुर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अंबाझरी लेक भी बहुत ही बड़ी लेक है। यहीं से नागपुर की नाग नदी निकलती है। इस झील के पास एक बाग भी है जिसे अंबाझरी उद्यान कहते हैं। यहाँ भी आप कई सारी सवारी, खेल आदि का मजा ले सकते हैं। नागपुर में इस लेक के अलावा और भी कई सारी लेक हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। 8वीं जगह है ड्रैगन पैलेस मंदिर। इस मंदिर को कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन पैलेस के अंदर एक नक्काशीदार चंदन की मूर्ति है जो बुद्ध जी की मूर्ति है। इसे जापानी मंदिरों के स्टाइल में बनाया गया है और इस ड्रैगन पैलेस मंदिर को सन 1999 में भारत और जापान की मित्रता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। 7वीं जगह है सुरबर्ली डैम और रिजर्व। यह नागपुर के बाहरी इलाके में बनी बहुत ही सुंदर जगह है। यह एक आध्यात्मिक स्थान है और साथ ही में दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ एक पहाड़ी बनाई गई है जिस पर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा है। यहाँ एक गुफा भी है जिसमें आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस कुल 20 रुपए है। एक दिन की पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये जगह है रामटेक फोर्ट। रामटेक में भगवान राम जी का ऐतिहासिक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री राम कुछ दिन रहे थे। यहाँ हिंदू ऋषि अगस्त्य जी का आश्रम था और यहीं पर श्री राम भगवान ने राक्षसों को मारा था। साथ ही यहीं पर कवि कालिदास जी ने प्रसिद्ध रचना मेघदत्त को लिखा था। रामटेक में जैन मंदिर भी है और यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यह बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। और 5वीं जगह है रमन साइंस सेंटर। बहुत ही अच्छा साइंस सेंटर है जिसे सन 1992 में शुरू किया गया था। यहाँ एक तारा मंडल भी है जिसे सन 1997 में बनाया गया था। यह सेंटर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक के 7 दिन खुला रहता है। यहाँ आप विज्ञान केंद्र, नक्षत्र भवन, 3D थिएटर आदि बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस नॉर्मल लोगों के लिए 20 से 25 रुपए और स्कूल के बच्चों के लिए 10 से 20 रुपए तक की है। जगह है महाराजबाग जू और तड़ोबा टाइगर रिजर्व। महाराजबाग जू शहर के बीचों बीच बना एक बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर है जहाँ आप कई सारे जानवरों को देख सकते हैं। जू को बड़ा करने का काम किया जा रहा है जिसके बाद यह बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आप यहाँ काफी कुछ देख पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। नागपुर के पास तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी है जो चंद्रपुर जिले में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ आप कई सारे जानवरों के साथ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं। यहाँ आप जंगल सफारी, ओपन टॉप जीप और प्रशिक्षित स्थानीय गाइडों के साथ भी घूम सकते हैं। तीसरी जगह है रामधाम। रामधाम नागपुर में जबलपुर रोड के पास बना एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक थीम पार्क है।
यहाँ आप बहुत कुछ देख सकते हैं और साथ ही बोटिंग और कई सारे इंडोर गेम जैसी चीजें खेल सकते हैं। यहाँ शाम के टाइम में बच्चों के लोक नृत्य और जादू शो वगैरह भी होते हैं। यह जगह दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी जगह है दीक्षा भूमि। यह नवयान बौद्ध धाम का पवित्र स्मारक है। यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी अनुयायियों ने 14 अक्टूबर सन 1956 में अशोक विजयदशमी को बौद्ध धर्म अपना लिया था। आज एशिया के सबसे बड़े स्तूप स्थल पर उनकी स्मृतियों को बनाया गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु दीक्षा भूमि में जाते हैं। विशेषकर धम्म चक्र प्रचार दिवस और 14 अक्टूबर को यहाँ काफी भीड़ होती है। पहली जगह है स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। यह बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ घूमने के साथ साथ आप आराम भी कर सकते हैं। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो शाम 4 बजे के बाद ही जाएं, क्योंकि रात में यह मंदिर और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। यह मंदिर रिंग रोड बरोड़ा नागपुर में बना हुआ है। तो ये थी नागपुर में ऐसी 10 जगह जहां आप घूम सकते हैं। तो आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।